ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के सीधी से बड़ी खबर ही बता दी कि रीवा चुरहट नेशनल हाईवे में भीषण हादसा के बाद सीधी जिला के रामपुर नैकिन से शव का उठवावे खातिर बता दें कि शव वाहन की बजाय कचरा वाहन भेजे की जानकारी सोहिया रही और जानकारी है सोहिया रही कि स्थानीय लोगों के बाद विरोध दर्ज किन गया रहा, जिसके बाद एम्बुलेंस की व्यवस्था कीन गया और शवन का पोस्टमार्टम खातिर अस्पताल पहुंचावा गया। ये पूरे मामले को लेके अब जिला कलेक्टर साकेत मालवी के द्वारा बयान जारी किन गया है और पूरे खबर के खंडन किन गया। उनके द्वारा यह कहा गया है कि शव का ले जाए खातिर उचित वाहन की व्यवस्था कीन कही और ऐसा लोग जो सामाजिक सद्भाव का खराब करे की कोशिश कर रहे हैं उनका पहचान कीन जाला ही बे और लोगों से अपील कीन जाला ही कौन उमेर की भ्रामक जानकारी न फैलामा। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सब जन इनका प्रणाम कही थे और शुरू कही थे बड़ी खबर। बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना जिला में सबरी जयंती के अवसर में आदिवासी महोत्सव में बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घलाय पहुंचे रहे लोकार्पण और दूसर कामन खातिर बता दें कि यहाँ आस पास के जिलन से कार्यक्रम स्थल में हजारन की संख्या में लोग पहुंचे रहे। शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम समाप्त भा जिसके बाद आयोजित कार्यक्रम से सब बस सतना से रामपुर बघेलान और रीवा के रास्ते मोहनिया टनल हुई के सीधी जात रही। टनल से महज 1 किलोमीटर की दूरी में चुरहट थाना क्षेत्र के बड़खड़ा गांव के पास बता दी के 3 बस कुछ देर खातिर रुकी रही। इस दौरान यात्रियों के जलपान की व्यवस्था की गई रही और यही बीच पीछे से आवे वाले सीमेंट से भरे ट्रक के द्वारा तीनों बसन का टक्कर मार दीन गए रहे। यह हादसा में जहां दर्जन भर से अधिक लोगों की मौत भय आधा सैकड़ा से अधिक लोग घायल भी हैं। वहीं सीधी से खबर सामने आ रही कि नगर पंचायत रामपुर नैकिन से कचरा वाहन से सब ले जाए के बाद की जानकारी सामने आ रही, जिसके बाद जिला कलेक्टर साकेत मालवी के द्वारा यह बयान जारी किया गया और खबर के खंडन किया गया है। उनका कहा है कि भ्रामक खबर यमें के सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है और पर्याप्त इंतजाम किए गए। हम आयुक्तों को सुनाई थे कि खुद सीधे जिला कलेक्टर के द्वारा ये पूरे मामले को लेके का कुछ कहा गया है और कौन मेर की अपील की गई है। तो सजग रहिए और सतर्क रही रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। ये कुछ समाचार चैनलों के माध्यम से और अन्य जगहों से सब वाहन को कचरे वाहन में रख के ले जाने की खबर चलाई जा रही है जो पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है। सभी शवों को यहाँ पे 2 जगहों पे ही रखे गए थे, जिसमें कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चुरहट था और दूसरा जिला अस्पताल सीधी था। इन सभी शवों को ससम्मान तहसीलदार और स्थानीय जो BMO थे, TI थे, इन सभी की उपस्थिति में स्वर्ग रथ जो शव वाहन का नाम दिया गया है यहाँ चुरहट में और जिला अस्पताल में नगर पालिका और जिला अस्पताल द्वारा संचालित सब वाहन में रख के सम्मान पूर्वक उनको संबंधित गांव तक भिजवाने की व्यवस्था की गई थी। गांव तक पहुंचाए भी गए, फिर गांव में पहुंचने के बाद उनके अंतिम क्रियाकर्म के लिए लकड़ी वगैरह जुटाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है, की गई है। इस दौरान कुछ तत्वों के द्वारा वहाँ पे जो वाहन खड़े थे जिनके द्वारा लकड़ी भी लाई जा रही थी और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही थी, वहाँ पे एक शव को रखने का प्रयास किया गया था जिससे कि थोड़ा सा माहौल वहाँ पे खराब हो। इसको तत्काल स्थानीय अधिकारियों ने संज्ञान में लिया और उसको फिर वहाँ से हटाया। जो 5 शवों की बात की जा रही है वो भी भ्रामक है, चूँकि वीडियो में भी इस बात के कोई तथ्य नहीं है। हम उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इस प्रकार से जो ये पूरी हमारी जिनके मृतक के परिवार हैं और जो मृतकों के सम्मानपूर्वक अंतिम क्रियाकर्म और उनको राहत राशि डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हमारा पूरा प्रयास चल रहा है उसमें इस प्रकार के कोई विघ्न उत्पन्न अगर करने का प्रयास कर रहे हैं तो हम उनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी करेंगे अगर इस तरह से कोई भी माहौल और असद्भाव का वातावरण क्रिएट करने का कोई भी प्रयास करेंगे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार, संभावनाओं का असीमित आकाश। एरिना एनिमेशन, एरिना है तो जॉब है।